एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आयरन हार्ट सीरीज के बहुत सारे लीक्स, बिकॉज ऑफ इसकी शूटिंग चल रही है तो इसे सेट इमेजेस भी आए हैं, तो इसलिए बने हुए वीडियो के अंत तक। चलो आज की वीडियो को ज्यादा देरी नहीं करते हुए करते हैं शुरू। आयरन हार्ट की सीरीज आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करेगी, बिकॉज ऑफ कॉमिक्स के अंदर भी आपको पता हो कि आयरन मैन ने मदद की थी रिरी विलियम्स की, जब उसे पता चला था कि रिरी विलियम्स उसके जैसा बनना चाहती है, और जब इनफैक्ट कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन की डेथ हो गई थी तो एक AI फॉर्म में भी उसने रिटर्न किया था रिरी विलियम्स की मदद करते हुए। तो ऐसा बताया जा रहा है आयरन हार्ट की सीरीज में नहीं तो या फिर इन फ्यूचर हमें हार्ट डीजे इस तरह रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं, यानी इस सीरीज के अंदर वॉर मशीन और हमारी पेपर पॉट्स रिटर्न देखने को मिलेगी। और आपको पता हो इस सीरीज भी शूटिंग चल रही है तो यार इस सीरीज में हमें मैजिक वर्सेस टेक देखने को मिलेगा, और इस सीरीज का मेन विलन होगा दी हुड, जिसकी मदद करेगी अगाथा हार्कनेस, जो उसे गाइड करेगी, जो वांडा विजन से आएगी, आपको पता ही होगा। तो यार डी हुड का रोल प्ले कर रहे हैं एंथनी रैमोस, जिनकी भी सेट इमेजेस निकल कर आई हैं। तो यार आपको मैं बता दूं यार इस सीरीज कंटिन्यू होगी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के इवेंट्स के बाद। तो यार इस सीरीज के अंदर हमें बताया जाएगा इसकी प्लॉट कुछ इस तरह होगी कि हमारी रिली विलियम्स होगी MIT के अंदर, उसे अपना फर्स्ट सूट बनाना होगा बिकॉज ऑफ वो आयरन मैन की से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी होगी। तो यार उसे अपना फर्स्ट सूट बनाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, जिसके लिए वो बाकी दूसरे स्टूडेंट्स का होमवर्क करेगी बिकॉज ऑफ वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो दूसरे का स्टूडेंट्स का होमवर्क करेगी और उनसे पैसे लेगी होमवर्क करने के बदले, ऐसा बताया जा रहा है। और उन पैसे से अपना सूट बनाना चाहती है, बट MIT वालों को पता चल जाएगा कि वो ऐसा काम कर रही है जो गलत है, इसलिए वो उसे MIT से निकाल देंगे और बाद में अपना सूट बनाएगी। तो यार उसका Mark 1 जो सूट होगा वो हमें वकांडा फॉरएवर में भी देखने को मिल सकता है, बट उसके बाद हमें इस सीरीज में ही देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज में जैसा वो सूट होगा आप देख सकते हो कुछ ऐसा होगा, सेट इमेजेस में आई है। हाँ इसमें VFX यूज नहीं हुआ है और ये सूट उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बिकॉज अब आप टोनी का भी Mark 1 आर्मर देख लो यार, तो उस तरह का ही है। तो आप जो भी कहो ठीक ठाक सूट आप कह सकते हो, बट ये सीरीज के लिए मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑफ यार ये बहुत ज्यादा मैजिक के ऊपर होगा, क्योंकि मार्वल मैजिक करेक्टर्स भी आजकल बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो जो भी कहो यार ये सीरीज बहुत ज्यादा ऑसम होने वाली है और आयरन मैन के लेगेसी को कंटिन्यू करेगी, और हो सकता है ये सीरीज आर्मर वॉर्स की सीरीज को भी कंटिन्यू करे। यार और सीरीज के बारे में बात कर लें तो यार आपको पता होगा हॉकाई के बाद जो सीरीज आती है वो है हमारी एको सीरीज, जिसकी भी शूटिंग चल रही है, जो हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। यार इसमें हमारे दमदार विंसेंट डी'ओनोफरियो के किंग पिन रिटर्न करेंगे और डेयर डेविल रिटर्न करेगा शी हल्क के बाद। यार हमारे किंग पिन का सेट इमेजेस लीक हो चुका है, जो आप देख सकते हो, जिसमें हमारे अपने फेवरेट यानी हमारे फेवरेट बहुत ज़्यादा फेमस अपने व्हाइट वाले सूट में हैं। यार इसे आप देख लो। उसके बाद यार इस सीरीज के बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन सेटअप होगी, जो 18 एपिसोड की होगी। तो ऐसा बताया जा रहा है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के अंदर किंग पिन तो रिटर्न करेगा, डेयरडेविल तो होगा ही होगा, तो उसमें इस सीरीज के अंदर जेसिका जोन्स भी हमें देखने को मिल सकती है, उसके साथ साथ दी पनिशर भी रिटर्न कर सकता है, बिकॉज ऑफ ऐसा बताया जा रहा है कि शी हल्क सीरीज के अंदर डेयरडेविल का लाइट टोन होगा। तो चलो गाइस आज की वीडियो थी, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताओ, आप कौन सी सीरीज के लिए एक्साइटेड हो ये भी कमेंट में बताओ। चलो गाइस आज की इतनी वीडियो थी, अगर वो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।